वंदे मातरम एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के बारे में जानने वाले हैं। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के जो विषय हमारा होता है फसल उत्पादन, उसका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने ट्वेल्थ की तैयारी के लिए सोच लिया होगा, जिन लोग 11वीं पास कर चुके हैं, जो छात्र 11वीं पास कर चुके हैं उन छात्रों को तो पता ही होगा कि जो 12th एग्रीकल्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस 12th एग्रीकल्चर में उनका एक सब्जेक्ट हो या मिड पढ़ कर आया कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है फसल उत्पादन। तो उस फसल उत्पादन के साथ में जिन लोगों के मन में लालसा होगी कि नहीं यार हमें 12वीं की तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगी, तो उन छात्रों ने तो देखा होगा जल निकास वाला चैप्टर। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है जल निकास, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जल निकास का पहला लेक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जल निकास के बारे में कि जो पहला चैप्टर 4 अंक का पूछा जाता है, कितने अंक का याद रखना, 4 अंक। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जल निकास से, तो आपको विशेष ध्यान देना है इस चैप्टर पर। जल निकास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। पहले जल निकास से पढ़ लेने के पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि पौधों की वृद्धि और विकास जिस प्रकार जल की कमी से प्रभावित होती है ना। हम भी जानते हैं कि अगर पौधों को पानी कम मिलता है, ठीक है, तो जल की कमी से जब पौधा क्या होता है प्रभावित होता है, तो कमी से जब प्रभावित होता है पौधा, ठीक उसी प्रकार से अधिकता से भी पौधा प्रभावित होता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं खेतों में फसलों के लिए सिंचाई देते हैं, पर कहीं लाइट खराब हो जाने के कारण, हमारा मोटर पंप खराब हो जाने के कारण 2-4 दिन हम क्या करते हैं सिंचाई करने में लेट हो जाते हैं। तो लेट जब हो जाते हैं तो हमारी फसल क्या होने लगती है, लूज पड़ने लगती है। मतलब कहीं ना कहीं जो पानी की कमी हमको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, ठीक उसी प्रकार पानी की अधिकता भी प्रभावित करती है। तो हमें यही पढ़ना है कि दोनों में एक विपरीत संबंध होता है। तो कभी कभी खेतों में वर्षा या सिंचाई द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी भर जाता है तो फसलों के विकास पर इसका प्रभाव हानिकारक होता है। तो पौधों में भी ऐसा ही होता है कि जब आवश्यकता से अधिक जल जब खेतों में भर जाता है तो भी क्या होता है, पौधों पर विपरीत प्रभाव या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जल निकास। जल निकास की परिभाषा देखते हुए, है ना, हम लोग ध्यान देना, खेतों में पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ये पानी मेरे ऊपर है ना, मेरी बात पर ध्यान देना थोड़ा सा, कि अनावश्यकता से अधिक जल को खेतों से बाहर निकालना, किसको, जो ये पानी खेतों में भरा हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है, डेफिनेशन आपको यही समझ में आएगी। तो ये जो पानी भरा हुआ है ये आवश्यकता से अधिक है, कौन सा है, आवश्यकता से, पौधों की आवश्यकता से अधिक पानी है, तो खेतों से कौन सा जल बाहर निकाल रहे हैं, अनावश्यक, ये याद रखना है नहीं तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कौन सा जल बाहर निकालना है खेतों से, अनावश्यक जल को, है ना, खेतों से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से, किस रूप से, कृत्रिम रूप से, ये याद रखना, अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। ठीक है, हम डेफिनेशन पे हम आते हैं, जो अनावश्यक जल, फालतू जो जल खेतों में भरा है इसे खेतों से बाहर निकालना है क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। सिस्टमैटिक हम इसकी डेफिनेशन भी सुनते हैं। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से, सतह मतलब ये दिख रहा है जहां पर पानी भरा हुआ है, इसे सतह और जमीन के अंदर से, दोनों विधियों के माध्यम से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। तो ये जो खेतों में जो पानी भरा हुआ दिखा रहे हैं ये कौन सा भैया, आवश्यकता से अधिक पानी है, कौन सा पानी है, आवश्यकता से अधिक पानी है। तो खेतों से आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालना कृत्रिम रूप से क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है ना। तो क्यों निकालना है, क्योंकि हम पैदावार बढ़ाना, क्या बढ़ाना भैया, हमारा मेन उद्देश्य फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से खेतों से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, जल निकास कहलाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन में हम देखते हैं, छोटी सी देखना है, तो अनावश्यक या फालतू जल को खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। एक और डेफिनेशन देख लो,
कि मोमेंट के अनावश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है वही है, कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने का क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है भैया। तो खेतों में आवश्यकता से अधिक जो पानी भर जाता है उसे कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, कृत्रिम वर्ड इसलिए कर रहे हैं, कृत्रिम और है ना प्राकृतिक में मैं आपको अंतर समझाता हूं। प्राकृतिक में जो है हमारे खरीफ के मौसम में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है बारिश होती है, तो जो बारिश होती है तो वो बारिश किसके द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा होती है, प्राकृतिक होती है ना, हम नहीं करते उसे, क्या होती है, प्राकृतिक होती है। अब ऐसी ही बारिश अगर हमें करना है हमारे द्वारा, कटिंग बनाने सब लोग जाते हैं, जाते ही होंगे, ठीक है, तो वहां पर एक जो डंडाइन होता है कटिंग मारने वाला फुहारे चलाता है, तो वो जो फुहारे चलाता है तो मतलब फुहारे चलाना ही क्या होता है, पानी के फुहारे चलाने ही वर्षा जैसा भी होता है, तो वो कौन सा हो गया, कृत्रिम। तो वो हमारे द्वारा फुहारा चला रहे और जो ऊपर से फुहारे आए थे वो किसके द्वारा थे, प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा। और यहां हम कृत्रि कर रहे, तो ये क्या होता है कि दो प्रकार से कृत्रिम और प्रकृतिक में क्या होता है, प्राकृतिक में क्या होता है कि जो पानी गिरा पृथ्वी के ढाल है ना, अपने जो भी भूमि थी भूमि के ढाल के अनुसार पानी बहकर क्या करा चला गया, तो उसे हम बोलेंगे कौन सा, प्राकृतिक, ठीक है। अब दूसरा कृत्रिम, क्या वो पानी बाहर निकल ही नहीं गया, वहीं भरा रह गया, जम गया, तो हमने क्या करा, नाली खोदी, मतलब किसने खोदी, हमने नाली खोदी, नाली बनाई और उस पानी को बाहर निकाल दिया, उसे हम जल निकास कहते हैं, और हमारे द्वारा जो नाली बनाई उस विधि को हम कृत्रिम कह दिया, ठीक है। आगे अब जलाक्रांति के कारण कि सर ऐसे कौन से पानी भरता है, पानी भरता है और भरता किस जगह पर है, है ना, ये जो स्थिति पैदा होती है आप लोगों के, पानी जो भरा हुआ है हमारा कि जला है ना, जिस ऐसी जगह जहां पर पानी भर जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं जलाक्रांति, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है मैंने बनाया है, दादा स्कूटर से जा रहे हैं, ठीक है, पीछे एक दादा भी बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से, है ना, आंटी बैग वगैरह लेकर जा रही है, तो ये जो स्थिति दिख रही है ना आपको, इसे बोलते हैं जलाक्रांति। तो अब ये जलाक्रांति स्थिति कहां पर पैदा होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है कि यह वहां पर पानी भर जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि भूमि की अधो सतह में सख्त तह का होना, सख्त तह का मतलब कठोर, ठीक है, कठोर परत। तो भूमि जब होती है, हमारा जो खेत होता है, खेत ऊपर से तो आपको मिट्टी सब जो है नॉर्मल दिखाई देती है, पर जब हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं भूमि के अंदर देखा जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि पत्थर की एक सख्त तह बनी होती है जिससे पानी ना तो सोख पाता है और ना ही जमीन के अंदर पहुंच पाता है। तो जहां पर नीचे की जो तह होती है वो सख्त अगर होगी तो भी आपकी ये स्थिति बनेगी, कौन सी स्थिति, पानी भरने की स्थिति बनेगी, तो उस पानी भरने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, जलाक्रांति, ठीक है। अधिक वर्षा वाले स्थान पर जहां पर छोटे छोटे नाले एवं नालियां होती है, भैया जहां पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, हमने जो है हमारा खेत बड़ा है और हमने छोटी छोटी अगर नालियां बना ली तो खेत का पानी उस नाली में नहीं आ पाता है और वो क्या हो जाती है, या तो चौक हो जाती है या ओवरफ्लो हो जाती है और वो पानी क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो पानी भर जाएगा, अब पानी भर गया तो कौन सी स्थिति हो गई, जलाक्रांति। प्राकृतिक जल निकास मार्ग का सड़क रेल मार्ग द्वारा अवरुद्ध होना, अवरुद्ध होने का मतलब जब हमारा कई प्रकार जो होता है खेत होता है, तो खेत जो होता है वो क्या होता है, सड़क के किनारे होता है, तो हमारी जो खेत से ऊपर उठी हुई होती है क्या, सड़क, तो वहां से क्या होता है जब खेत में पानी भरता है तो वो सड़क के आसपास कहीं भी पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता जो है जगह नहीं होती है, तो वहां भी क्या होता है, उन खेतों में भी हमारा पानी क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कच्ची नहरों का होना, भैया कि जहां हमारे खेतों के आसपास से कच्ची नहरें निकलती है तो वो नहरें लगातार कंटिन्यू क्या होती है, उसमें पानी चलता रहता है, तो पानी चलता रहता है, उस वो पानी रीस कर कहाँ आता है, खेतों में आता है। अब ये होता है कि जो नहरें हमारे खेत के धरातल से ऊपर होती है वहां पर होती है ना, ये नहरों का जो समस्या होती है हर जहर खेतों में नहीं आती है। दूसरा चिकनी मृदाओं का होना, क्योंकि चिकनी मृदाओं की पानी अवशोषण क्षमता क्या होती है, कम होती है, पानी अवशोषण क्षमता अगर कम होगी तो वहां पर क्या होगा, पानी भरा जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि में जल स्तर ऊपरी सतहों में होना है ना, जो जल स्तर होता है ऊपरी सतह पर होता है, जो वाटर लेवल होता है हमारे भूमि का वो बहुत ऊपर पाया जाता है, तो उसको भी क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता, जो पानी सोखती तो है पर बहुत ज्यादा नीचे जमीन के अंदर तक नहीं पहुंचता है, तो वो पानी भी क्या होता है, ऊपर की ओर भर जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 12th के हिसाब से आप लोगों का चैप्टर आता है उद्देश्य, है ना, क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है जल निकास के उद्देश्य, ठीक है। तो जल निकास के उद्देश्य अब हमको पढ़ाना है, जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना,
जब जल निकास हमने पढ़ा था है ना, डेफिनेशन भी पढ़ी, तो डेफिनेशन में भी यही कहा जा रहा है कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जा रहा है। भैया क्या बढ़ाने के लिए? पैदावार बढ़ाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया कि हमारी फसल खराब नहीं होना चाहिए और हमारी उपज क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर क्या हो गया, ये पानी, ठीक है, ये जो जहाँ जिस जगह पर क्या भरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ की फसल हमारी क्या हो गई है, खराब हो गई है। अगर फसल वहाँ की अगर खराब हो रही तो हमारी उपज में क्या होगी, कम होगी, ठीक है, उपज भी कम होगी। तो इस उपज को बढ़ाने के लिए इस पानी को निकालना आवश्यक होता है, मेनली उद्देश्य। दूसरा, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। अगर यहाँ लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो हमारी जो भूमि है ना, थोड़ा सा चीठेपन पर आ जाएगी। चीठेपन के साथ में क्या हो गई कि यहाँ पर कीचड़ बनने लगेगा, वो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भूमि हमारी क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो उसकी भौतिक दशा क्या होती है, खराब होने लगती है, ढेले बनने लगते हैं, ठीक है। दूसरा, अगला आता है भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, कि जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वहाँ टेम्परेचर अगर डाउन हो जाता है तो वहाँ की सारी जो है डाउन होने से फसलें खराब होने लगती, तो इसलिए उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि सारे पौधे स्वस्थ बने रहे। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। सर लवण क्या होते हैं भैया, है ना, कहीं ना कहीं देखा होगा हमारे घर के आसपास भी, आप देख लेना, बारिश जब होती है गड्ढा भर जाता है और वो फिर क्या होता है, वाष्प बनकर जो पानी उड़ जाता है, फिर वहाँ सफ़ेद सफ़ेद परत आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो वो जो सफ़ेद परत होती है उसको उंगली से चाटना, क्या करोगे उसको चाटना, तो वो थोड़ा सा खारा खारा आपको लगेगा, ठीक है। तो वो जो खारा खारा लगता है उसे हम कहते हैं लवण, ठीक है। तो वो जो लवण होता है हमारी फसलों के लिए और जो है मृदा के लिए हानिकारक होता है, तो उसको क्या करना, एकत्रित ना होने देना। फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना, जो कृषि क्रियाएं, ठीक है, मान लिया जाता है कि अब जो हमारा खेत था भैया, मुझे क्या करना, डोरे चलाना है, डोरे समझते हैं ना, डोरे चलाना है, तो जो डोरे हमारे खेत में हम चलाते थे, अब ये पानी भरा है, कहाँ से डोरे चला लोगे, तो ये डोरे अब इस पानी को निकालोगे, भरा पाएगा, उसके बाद तो डोरे चलेंगे, तो उस डोरे चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस पानी को बाहर निकालना पड़ता है। डोरे का मतलब होता है ना, निंदाई गुड़ाई करने के लिए हम चलाते हैं, या फिर मान लो दवाई स्प्रे करना है, रासायनिक स्प्रे करना दवाई का, तो कैसे करोगे भाई, पेंट चढ़ा लो, है ना, ऊपर पेंट चढ़ा लो और चले जाओ, ऐसा नहीं होता, जब फसल ही नहीं है तो क्या चढ़ा लो, ठीक है। तो पहले हम फसल को बचाएंगे, उसके बाद हम जो है सारी क्रियाएं समय पर करेंगे। अगला, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, तो पानी भरने से उनकी क्रियाएं जो होती है, ठीक है, उनकी जो डेली रूटीन वाली जो क्रियाएं होती है वो क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती हैं, तो वो भी काम नहीं करते, तो उनकी क्रियाशीलता में क्या करना, वृद्धि करना। भूमि को दलदल होने से बचाना भैया, तब लंबे समय तक अगर पानी भरा रहे तो कीचड़ तो मचेगा, अब कीचड़ मचेगा तो भूमि भी कैसी होगी, दलदल होगी। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना, ठीक है, अब वायु संचार, क्योंकि पौधों की जड़ें भी क्या करती है, श्वसन करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, तो उस ऑक्सीजन के लिए अगर पानी भरा रहेगा तो हवा अंदर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, तो जब हवा नहीं गई तो ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी क्या, तो नहीं जाएगी, तो वो हवा अंदर तक पहुंचाने के लिए उस पानी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। अब हानिकारक कीटाणु सर क्या, कि जब पानी भरा रहेगा तो पानी गंदा होगा, गंदा होगा तो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े मच्छर वहाँ पर आकर क्या होंगे, पनपते हैं, तो उस कीड़ों मकोड़ों को क्या करना, पनपने नहीं देना और उनको नष्ट किया जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को जल निकास का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 स्टार लगा लेना, ठीक है, मोरी है ना, पूरी तरह से अच्छे से 3 स्टार लगा लेना भैया इस पर, क्योंकि ये पूछा जाता है सिंचाई जल निकास की परिभाषा बताते हुए उद्देश्य को समझाइए, ये क्वेश्चन बनता है 12th के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़नी है, उद्देश्य ही आवश्यकता है। जिन छात्रों ने उद्देश्य अच्छे से अगर समझ लिया हो तो उद्देश्य ही क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। गीली मृदा को किसी प्रकार से कृषि क्रियाएं नहीं पाती, अभी पढ़ा कि जो उद्देश्य थे हमारे वही आवश्यकता में परिवर्तित हो गए, ठीक है, जो उद्देश्य थे हमारे वो आवश्यकता में परिवर्तित हो गए। अब कृषि क्रियाएं है ना को नहीं हो पाती, यही हमारा आवश्यकता थी, जल निकास की आवश्यकता, मतलब पानी बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, यही हमारा, तो जो उद्देश्य हमने पढ़े वही आवश्यकता है, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है।
अगला, भूमि में नमी अधिक होने पर वायु संचार, अभी बताया भैया, तो जब वायु संचार पौधों की जड़ें क्या नहीं कर पाएगी, जब वायु संचार यानी कि मृदा में वायु नहीं घुस पाएगी तो पौधा श्वसन नहीं कर पाएगा, तो वायु संचार कराने के लिए हमको पानी निकालना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, मृदा में जल की अधिकता का ताप गिर जाता है भैया, ऑफकोर्स अभी बताया था कि जब पानी भर जाएगा तो टेम्परेचर वहाँ का क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उस टेम्परेचर को बरोबर या मेंटेन करने के लिए हमें पानी निकालना पड़ता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। खड़ी फसल जल के कारण नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, तथा सबसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तो अधिक जल के कारण क्या होती है भैया, फसल नष्ट होती है। तो हमारा पहला था कि जब ये फसल नष्ट हो रही है तो इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, जल को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि चिकनी मृदा युक्त होती है वहाँ भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्रित हो जाता है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, तो इसलिए चिकनी मृदाओं में तो आपको हमेशा पानी, जल निकास की आवश्यकता आपको हमेशा रखना ही चाहिए कि वहाँ पर जल निकास की व्यवस्थाएँ हमारी आसानी से हो, ताकि जब भी पानी गिरे, बरसात हो, तो तुरंत हमारा पानी जो है बहकर बाहर निकल जाए। अब अतिरिक्त नमी आती है, क्या होते हैं भैया, अतिरिक्त जल से होने वाली हानियां या अतिरिक्त नमी से होने वाली हानियां, समझ में आ रहा है, हानियों का मतलब उद्देश्य का उल्टा, ठीक है, उद्देश्य का उल्टा हानि, ठीक है, कैसे, वायु संचार में बाधा आ रही है भैया, जब हमको बाधा आ रही है तभी तो हमको जरूरत पड़ रही है क्या ही कि पानी बाहर निकालो, तो मृदा में अतिरिक्त स्थानों में जल भर जाने से मृदा में वायु प्रवेश के लिए स्थान नहीं रह जाता है, और क्या करते भैया, पौधे वायु है ना, O2 जरूरी होती है, अतः इसकी अनुपस्थिति में पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो ये हमारे लिए क्या हुई, हानि, क्या हुई, हानि, ठीक है। उसका उल्टा, तापमान का गिर जाना, किसका गिर जाना, तापमान का गिर जाना, तो तापमान गिर जाने से क्या होता है, तो भूमि में जल की अधिकता से मृदा ताप गिर जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, या पौधे खराब होने लगते हैं। हानिकारक लवणों का एकत्रित होना, अब हानिकारक लवण एकत्रित होते हैं तो क्या होता है, किसी एक स्थान पर जल एकत्रित रहने वहाँ की भूमि क्या होती है, ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदाएं क्या होने लगती है, ऊसर होने लगती हैं। कृषि क्रियाएं का पिछड़ना, ये अब कृषि क्रियाएं पिछड़ने का मतलब मैंने बताया था कि हम लोग समय पर क्या नहीं कर पाते भैया, दवाई का स्प्रे नहीं कर पाएंगे, निंदाई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, जिससे फसल से क्या होगी, देर से तैयार होगी और आने वाली फसल भी क्या होगी, लेट होती है। अगली हानि क्या है हमारे लिए, भूमि का उपजाऊपन कम होना, ये भी रियल है, क्योंकि जब भूमि ऊसर होने लगेगी तो उपजाऊपन भी कम होगा। अत्यधिक नमी से मृदा में क्या होगा भैया, तत्व तो घुल जाते हैं और निक्षालन के द्वारा भूमि में गहराई में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो निक्षालन का मतलब होता है लीचिंग के माध्यम, है ना, पानी के साथ पोषक तत्व का घुल कर जमीन के अंदर उतर जाना या पौधों की जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है, ठीक है। तो वो जो उर्वरकता हमारे है ना मृदा के अंदर पहले से जो पोषक तत्व थे वो क्या हो गए, पानी में घुल गए और जमीन के अंदर उतर जाते हैं। अगला, जड़ों का उथला होना, भूमि में वायु की कमी से जड़े जमीन की ऊपरी गहराई तक ना जाकर ऊपरी सतह में रह जाती है, तो क्या होता भैया कि जब जड़े को क्या नहीं है, वायु संचार नहीं हो रहा है, तापमान सही नहीं मिल रहा है, तो उसकी जड़ें क्या होती है, ग्रोथ नहीं कर पाती, और ग्रोथ जो जड़ें होती है बहुत छोटी छोटी रह जाती है, ठीक है, तो जड़ें छोटी छोटी रह जाती है, तो जब हवा पानी तूफान आता है तो वो पौधा क्या हिलता है, तो उसके कारण जो है फसल क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो जड़ों का उथला होना जिससे फसल गिर जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए क्या थी, हानियाँ, जल निकास से होने वाली हानियाँ। अब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, तीन चीज़ें याद रखना है, जल निकास की परिभाषा, जल निकास के उद्देश्य, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और जल निकास की हानियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जल निकास की प्रणालियाँ, ठीक है, जल निकास की प्रणालियाँ, तो जो जल निकास की हम प्रणालियाँ पढ़ते हैं, बच्चे अक्सर यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, कैसे, कि जल निकास की जो प्रणाली होती है, तो जल निकास की कभी कभी क्या होता है, जल निकास की प्रणाली पूछी जाती है और बच्चा जल निकास की विधियाँ लिख कर आते हैं, गलत। अगर जब उसका मैंने आपसे पूछा पानी दो, ठीक है, और आप कुछ और ही दे रहे हो, पत्थर उठा कर दे रहे, तो तुरंत क्या होता है, गलत हो जाता है, तो पूरा क्वेश्चन ही आपने क्या कर दिया, पलट दिया, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, पूरे क्वेश्चन पर क्रॉस लग जाएगा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पर क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, एक नंबर भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रणालियां किसे कहते हैं और विधियां किसे कहते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ाने वाले हैं प्रणालियां, सिस्टम, क्या पढ़ाने वाले हैं, सिस्टम। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास जल निकास करने के लिए तीन सिस्टम है, कितने सिस्टम है, तीन सिस्टम है, ठीक है, सॉरी, तो तीन सिस्टम है हमारे पास, एक तो प्राकृतिक प्रणाली,
हेरिंगबोन प्रणाली और गिरिडोन प्रणाली, तीनों याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। तो हमारे पास जो तीन सिस्टम है प्राकृतिक प्रणाली, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रणाली में क्या होता है, मैंने अभी बताया, प्रकृति के द्वारा ये सब काम किसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। जब हमारा जो खेत होता है, ठीक है, हमारा जो खेत होता है वो खेत क्या है, अब यहाँ जो हमारा खेत होता है, ठीक है, तो इस खेत में मैंने बताया प्रकृति का मतलब होता है कि यहाँ इस खेत में पानी गिरता है और पानी गिरता है अपने आप, जितना ज़्यादा मृदा को सोखना है वो तो सोख लेती है, उसके बाद वो पानी क्या होता है अपने ढाल के अनुसार बाहर निकल जाता है, नदी नालों में तालाबों तक पहुंच जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत सारा पानी आता है तो जाता कहाँ है, ठीक है। तो पानी क्या होता है जो है भूमि के ढाल के अनुसार बाहर निकल जाता है। तो भूमि के ढाल के अनुसार जो पानी बाहर निकल रहा है उसे हम कहेंगे प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक मतलब आपने नहीं बनाई है, भूमि अपने आप ढाल को लेकर स्वयं क्या कर रही, पानी को बाहर निकाल रही है। अब समझने वाली आती है हेरिंगबोन प्रणाली, कौन सी प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली, ठीक है। हेरिंगबोन प्रणाली में यहाँ ध्यान में रखना कि मुख्य नाली, कौन सी नाली, मुख्य नाली कहाँ बनाना है, बीचों बीच। तो हेरिंगबोन प्रणाली में जो मुख्य नाली हमने कहाँ बना दी, बीचों बीच बना दी, ठीक है। एवं सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिल जाती, कौन सी, सहायक जल निकास नालियाँ। अब ये हेरिंगबोन प्रणाली में क्या होता है, हमारा खेत का जो भूभाग होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका जो ढाल होता है वो इस तरह होता है, मतलब क्या होता है दोनों तरफ से जो ढाल आता है वो कहाँ पर आता है, बीच में। तो इसलिए हमने मुख्य नाली कहाँ पर बना दी, बीच में। सहायक नाली हमने साइड में बना दी, ठीक है, ये सहायक नाली हमारी हो जाती है। तो ये सहायक नाली हमने कहाँ बना दी, बीच में बना दी, ठीक है। तो सहायक नाली हम क्या करते हैं, बीच में बना देते हैं। अब क्या होता है कि दोनों तरफ से ये इधर से भी पानी बहकर कहाँ आता है, बीच में आता है, और इधर से पानी बहकर भी कहाँ आता है, बीच में आता है, ठीक है। तो पूरे खेत का जो पानी होता है बहकर बीच में आता है, और फिर बीच में आकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये मुख्य नाली में इकट्ठा होता है, और मुख्य नाली के द्वारा पानी नदी एवं तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है हेरिंगबोन, हेरिंगबोन मतलब बीच में, हेरिंग बोन का मतलब कहाँ बनाया मैंने, बीच में। सर बोन का मतलब बीच में, सर बोन का मतलब बीच में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। गिरिडोरोन प्रणाली, अब गिरिडोरोन प्रणाली पर हम फोकस करते हैं, गिरिडोरोन प्रणाली क्या होती है। तो गिरिडोरोन प्रणाली में क्या करा था हमने कि जो हमारा खेत था, ठीक है, तो खेत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, और खेत का जो ढाल था वो एक तरफ था, कैसे था, एक तरफ था। तो हम मुख्य नाली बताओ कहाँ बनाना चाहिए, एक तरफ बनाना चाहिए। तो हमारी जो गिरिडोन प्रणाली में क्या होती है कि जो मुख्य नाली है खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचे होता है, कैसा होता है। तो मेरा जो खेत था भैया, ये जो खेत है ना, तो खेत का ढलान कहाँ आया, इस साइड आया, तो मैंने जो मुख्य नाली कहाँ बना दी, ये हो गई मुख्य नाली, कौन सी नाली, मुख्य नाली, ठीक है, यहाँ बना दी। अब क्या होता है कि छोटी छोटी जो नालियाँ होती है वो मिलकर कहाँ आती है, ठीक है, मुख्य नाली तो मैंने बना दी, अब मुख्य नाली ये जो, हाँ, इसमें छोटी सहायक नालियाँ इसमें आकर क्या हो गई भैया, मिल गई, ठीक है। तो ये जो होती है सहायक नालियाँ, तो पानी जो बहकर आता है ये पानी यहाँ से बहकर आएगा इस नालियों के माध्यम से, छोटी छोटी नालियों के माध्यम से, और यहाँ से मुख्य नाली के माध्यम से पानी बाहर चला जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं गिरिडोरोन प्रणाली, क्या बोलते हैं, गिरिडोरोन प्रणाली, ठीक है। तो स्वी से प्राकृतिक प्रणाली, कोई नाली नहीं बनाना है, खेत अपने ढाल के अनुसार पानी को बाहर निकाल देता है जिसे प्राकृतिक कहते हैं, इसको भी पढ़कर सुना देता हूँ। इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाबों में पानी को छोड़ दिया जाता है। तो आपको बनाने की नहीं, जब जिधर जिधर खेत का ढाल होगा उधर उधर क्या होगा, पानी बहता चले जाएगा। हेरिंगबोन प्रणाली में मुख्य नाली कहाँ बनाना है, बीच में, सर बीच में बना दी। सहायक नालियाँ क्या बनाना है, उसमें आकर मिल जाती है। तो हेरिंगबोन मतलब सर जो मुख्य नाली है, खेत का ढाल बीच में होता है और जो मुख्य नाली होती है वो बीच में बनाइए। गिरिडोरोन प्रणाली में सर, तो गिरिडोरोन प्रणाली में सर क्या हुआ कि खेत का जो ढाल था वो एक तरफ था, जो मुख्य नाली वो हमने एक तरफ बना दी, सहायक नाली आकर उसमें मिल गई और मुख्य नाली का जो पानी है नदी एवं तालाबों में छोड़ दिया, ठीक है। आई होप आपको 12th का जो चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है, वो समझ में आया होगा, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच, है ना, वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाते रहिए जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप लोग जो हैं, मेरे नंबर दिए हुए हैं अजय सर, ठीक है, 8349924680 पर किसी भी प्रकार के अगर डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वंदे मातरम।